यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर बीजेपी सरकार का एजेंडा तय कर दिया है। इसके तहत संघ के वरिष्ठ प्रचारक अगले महीने से ही मैदान में उतरेंगे। सूरजकुंड में संघ के वरिष्ठ नेताओं ने अपने अनुषांगिक संगठनों के मुखिया और विभिन्न राज्यों में सरकार के संगठन मंत्रियों के साथ चर्चा कर मिशन 2019 का एजेंडा तैयार कर दिया है। फरीदाबाद में सूरजकुंड होटल को बीजेपी अपने लिए लक्की मानती है। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने इसी होटल में चुनावी रणनीति तैयार की थी और अब एक बार फिर से बीजेपी और संघ के आला नेता इसी होटल में डेरा डाले हुए हैं। इस 3 दिवसीय मंथन शिविर से मीडिया को भी दूर रखा गया है, साथ ही सरकार ने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को भी इस बैठक से दूर ही रखा है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अमित शाह की ओर से विधायकों और सांसदों की फीडबैक रिपोर्ट ली जानी है, जो काफी अहम मानी जा रही है। इसके लिए शाह ने अपने दूत भी फील्ड में उतारे हुए हैं, जो फीडबैक ले रहे हैं। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के प्रति जनता की नाराजगी का भी फीडबैक लिया जा रहा है और इसी फीडबैक से तय होगा कि आगामी चुनावों में किसका टिकट कटेगा और किसका बचेगा। फिर इसी के हिसाब से तय होगी 2019 के चुनावों की रणनीति। बैठक में शामिल एक प्रतिनिधि के मुताबिक संघ सरकार की योजनाओं और नीतियों से तो संतुष्ट है, लेकिन आर्थिक क्षेत्र, योजनाओं की जमीन पर न उतरने, दलितों के बड़े वर्ग में बन रही पार्टी विरोधी धारणा और मध्य वर्ग के मोर्चे पर चिंतित है। और आज इस शिविर के अंतिम दिन शाह के साथ चर्चा में संघ भाजपा शासित राज्यों में दलितों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान अभियान को युद्ध स्तर पर शुरू करने की सलाह देगा। तो वहीं संघ का मानना है कि मध्य वर्ग पार्टी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस वर्ग को जोड़े रखने के लिए सरकार के पास कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ऐसे में अगर ठीक चुनाव के दौरान मध्य वर्ग के बीच भ्रम या आक्रोश पैदा हुआ तो हालात संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगले 2 से 3 महीने में मध्य वर्ग से जुड़ा कोई बड़ा और प्रभावशाली फैसला लेने की भी सलाह संघ की ओर से दी जाएगी, जिसके बाद अब ये सवाल है कि क्या संघ के सहारे बीजेपी की नैया 2019 में पार लग पाएगी। क्या संघ की रणनीति पर चल सभी वर्ग को साध पाएगी बीजेपी, और अगर ऐसा होता है तो फिर विपक्ष के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो 2019 कैसे जीतना है, इसको लेकर संघ की ओर से रणनीति तैयार की गई है, लेकिन सवाल यही कि क्या संघ के सहारे बीजेपी की नैया पार लग पाएगी, क्या सभी वर्गों को अपने साथ बीजेपी जोड़ने में कामयाब हो पाएगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से प्रवक्ता डॉक्टर आनंद सरवारिया मौजूद हैं, साथ ही इनेलो की ओर से प्रवक्ता दिलबाग नैन साहब हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से बाल मुकुंद शर्मा जी पक्ष रखेंगे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन रॉय जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले साहब, आपके पास आते हुए संघ के सहारे नैया पार लग जाएगी बीजेपी की 2019 में। अवंतिका जी, सबसे पहले तो मैं मुस्कुराऊंगा, हंसूंगा तो नहीं आपकी इस बात पर कि संघ के द्वारा नैया पार लग जाएगी नहीं। देखिए, नैया पार तो लगी हुई सबको दिख रही है, उसकी मैं बात नहीं करना चाहता, बट संघ जो है, देखिए हम लोग एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं। हमारा ये कोई के इंडिविजुअल पार्टी नहीं है, जैसे कि बहुत सारी पार्टियां आजकल, इवन नेशनल पार्टी भी एक आदमी द्वारा चलाई जा रही है। हमारे यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है और उसको संगठन की जिम्मेवारियाँ, हमारे वेरियस विंग्स होते हैं, जो संगठन की जिम्मेवारियाँ होती हैं वो हर एक स्टेट में एक संगठन मंत्री, हम सारे ही परिवार से, मेजोरिटी ऑफ हमारे जो लोग हैं, प्रधानमंत्री जी ले लीजिए, दूसरे, हम सब परिवार से आए हुए हैं और परिवार में हम मंत्रणा करते रहते हैं। और अब क्योंकि ये 2019 इलेक्शन ईयर है, तो उस वक्त तो घर में ये एक मंत्रणा की, अच्छा चलिए घर में मंत्रणा जो है की जा रही है। आप कह रहे हैं नैया तो पार लगी हुई है, आपने इस पर हंसा, हालांकि इस सवाल पर आप हंसते नजर आए, मुस्कुराए, चलिए मुस्कुराए आप इस बात पर, आपकी बात पर दिलबाग ने सब मुस्कुराए। हाँ जी, देखिए अवंतिका जी, अब चाहे ये संघ के नाम से इकट्ठे होले मीटिंग कर ले, चाहे वो किसी और के नाम से कर लें, इनकी अब खासकर हिंदुस्तान में तो क्या, भारत में तो क्या, मैं आपको बताता हूँ, हरियाणा के अंदर इनका कुछ भी नहीं है। अब ये बहाने ढूंढ रहे, मेरे साथी बैठे हैं सलारिया साहब जी,
मैं इनसे पूछना चाहूँगा, इससे पहले आपने मंथन किया था हिमाचल में बहुत महंगे रिजॉर्ट में जाके मंथन किया था, और मेरा ख्याल उसके काफ़ी दिन तक मीडिया में भी चर्चा चला, उसके जो खर्चे थे, कितने खर्चे आए, किसने सरकार की तरफ से कितना लगाया, कितना दिया, तो उसका अब इस बार मंथन अलग है, इस बार मंथन अलग है, इस बार सिर्फ जी मैं उसी बात पे जा रहा हूँ, इस बार कोई सांसद विधायक इसमें शामिल नहीं है, उस मैं वही बात उसी बात पे आ रहा हूँ भी, वो जो मंथन किया था उसका रिजल्ट इनसे पूछा जाएगा, उसका रिजल्ट आपने क्या किया, अब तक कुछ नहीं किया, वो तो सभी को एग्जिट करने के लिए था ना, जो आप इन्होंने सांसद क्यों नहीं बुलाए, मैं अंतिका जी आपको बताना चाहूंगा कि सांसद अब क्यों नहीं बुलाए, इन्होंने विधायक अब क्यों नहीं बुलाए, उसका कारण क्या है, क्योंकि इन्होंने अभी एक अभी 4-5 दिन पहले मीडिया में आया कि एक सर्वे करवाया है भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने सर्वे करवाया, नरेंद्र मोदी ने सर्वे करवाया कि जिसमें जितने भी इनके सांसद है सारे हार रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि भी जब सांसद आ रहे हैं तो विधायक तो कोई आने वाला है नहीं, क्योंकि सांसद अगर नहीं आ रहे हैं तो विधायक कहां से आ जाएगा, तो अब मंथन करने की कोई जरूरत पड़ेगी। अब जब इन्होंने देखा कि ये हालात होने वाले हैं तो संघ आगे आ गया जी, चलिए हालात बन रहे हैं, संघ को आना पड़ रहा है, सरकारिया जी, सरकारिया जी, आदिवासी सोशल मजिस के बाद आपके पास जी, मैं अब हाथ जोड़ के विनती करूंगा मेरे इनलो के प्रवक्ता जी से कि सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था, और डायरेक्ट सवाल जब पूछते हो तो जवाब लेने की सुनने की हिम्मत भी रखिए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब एक इतनी इम्पोर्टेंट चैनल पे बैठ के आप प्रवक्ता एक पार्टी के कह रहे हैं और नाम ऐसे ले रहे हैं उन नेताओं के जैसे वो आपके छोटे बच्चे हैं, आपसे मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, उम्मीद नहीं कर सकता आप कभी जी लगाएंगे उनके साथ में, आप लोगों का जो भविष्य है, आपके जो नेता एक फैमिली के द्वारा चलाए जाते हैं और उसमें आधी फैमिली तो जेल में बैठी है, सवाल जेल में बैठे हैं एक फैमिली के द्वारा, जो मुद्दा है मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आ रहा हूँ, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे, आप कह रहे हैं कि हमारा कोई मुद्दा नहीं है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं, मैं आपको बता दूं, नहीं नहीं आप क्या बता रहे हैं, जो हाल होने वाले हैं नेशनल लेवल पे, आप तो कोई ज्योतिषी हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं जनता बता रही है, हम तो जनता की बात कर रहे हैं, हम सवारिया जी जनता की बात कर रहे हैं, आप जनता की बात कर रही है, फिर ये बताइए कि संघ को क्यों आना पड़ रहा है आगे, नहीं मैंने तो कहा कि संघ तो क्यों, संघ तो हम संघ और सभी एक पार्टी संगठन की पार्टी है, उस पार्टी में सलाह मशवरा करेंगे, उनका भी हेल्प लेंगे और वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारी पार्टी किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है कि ऊपर से हुक्म आ गया, और अभी उन्होंने कहा कि हमने चिंतन किया था, जितना इन्होंने सुनिए सुनिए नैन साहब सुनिए, बाद में बोल लीजिएगा, वो डायरेक्टर वहां बैठी है आपको पूरा टाइम देगी, इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि वो शिमला में गए थे, कितने लाखों खर्च कर दिए, चिंतन करके आए, और जितना मीडिया में इन लोगों ने उसके बारे में लिखा, मेरे दोस्त उसका तो 2019 में पता चलेगा कि आप लोग कहां खड़े हैं उस चिंतन के मार के मारे हुए। बालमुकुंद शर्मा जी, जो मंथन शिविर चल रहा है उसमें इस बात को लेकर भी विशेष जो है ध्यान रखने की बात जो है कही जा रही है कि इसको लेकर भी रणनीति तय होगी कि विपक्ष एकजुट ना हो, कांग्रेस की तैयारी है विपक्ष को एकजुट करने की, लेकिन मंथन शिविर में दूसरी तैयारी चल रही है। मंथन शिविर से पहले मैं समारिया साहब ने जैसे बताया, इन्होंने कहा कि ये कैडर बेस पार्टी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहली बार विधायक बनने वाले आदमी को आप चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, 5-5 बार चुने हुए लोग बार बैठते हैं, क्या यही आपका कैडर बेस है? एक पहले मेरी बात पूरी होने दो, मैं हाँ दूसरा आप ये संघ पे जाने से पहले एक और मैं बताऊँ, ये इनका कैडर बेस है, बीजेपी अब 2019 से 2014 में जो इन्हें चुनाव लड़ा इनके पास अपने कैंडिडेट नहीं थे, उधार के कैंडिडेट कांग्रेस से मांगे, दूसरी पार्टियों से मांगे, राव इंद्रजीत सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रमेश कौशिक, धर्मवीर सिंह, राजकुमार सिंह, एक मिनट सुनो तो जी, आप सुनिए तो जी, बात सुनिए पूरी, मैं तथ्यों पर आधारित बात करूंगा, हमारे प्रवक्ता साहब ने जो कहा है और बड़े वो ओझल भविष्य में बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, मैं जब सुन मैं चलो अच्छी बात नहीं, मैं उससे वो नहीं खेलता, आप मेरे उम्रदराज हैं, आप मैं उम्र नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ, आप आ जाओ इस एजेंडे पर, जो महत्वपूर्ण बात आज की, इनका अवंतिका जी कोई एजेंडा नहीं, ईडन एजेंडा है, एक चलता है पूरे हिंदुस्तान में चलता है, और हरियाणा के अंदर मैं बताना चाहता हूँ, आज ये बैठे हैं सूरजकुंड में, महीना दो महीने देख लेना, ज्योतिषी तो मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कोई और नया विवाद हरियाणा में ये खड़ा था, इन्होंने 3 बार हरियाणा जला लिया, इनकी विषय वस्तु क्या है, हिंदुस्तान में आप जाइए धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, और एक संगठन भेदभाव के नाम पर, एक और नया स्कूप है इन्होंने छोड़ा था, और एक बात देखिए 1-1.5 महीने का इनका मुद्दा रहता है चुनाव के नाम पर, ये क्या बोलते हैं एक मुद्दा था वो जो तलाक का मुद्दा,
वो उसमें पति पत्नी को इन्होंने अलग कर दिया। तीन तलाक को गलत बता रहे हैं। गलत नहीं, आप कमाल करें, आप उनके पैसे के लिए क्या प्रबंध, कांग्रेस ने आवाज उठाई तीन तलाक का, जो पैसे जो नहीं, पहले मेरी बात सुनिए जी, तीन तलाक के मुद्दे पर उसको तो जेल भेज देंगे, उसका तलाक होगा, बच्चों का गुजारा पता कहाँ से होगा, उनको पैसे क्या नहीं, अब चुनाव के बाद कहाँ तीन तलाक का मुद्दा, कहाँ मुद्दा, आप बताइए ना, आप बताइए तीन तलाक का मुद्दा आज का, मेरी माँ ये जिन्ना का मुद्दा भी इन्होंने कर्नाटक से पहले उठाया, कहाँ जिन्ना, जिन्ना की तस्वीर, ये इनको आने वाले 20 साल के लिए मुद्दा है, कहाँ हमने किस तरीके से हरियाणा में कैसी राजनीति करी इन्होंने, कैसे भाईचारा बिगाड़े इन्होंने, समाज को एक जगह बैठने नहीं देते ये लोग, ये इधर आज की आप दिनांक लिख लीजिए, एक महीने में डेढ़ महीने में का ये एजेंडा बाहर आ जाएगा, इनको लोगों को समाज को दो फाड़ करना, चुनाव से पहले कोई ना कोई नया मुद्दा उठा कर देती है। बीजेपी तो मार्केट में है नहीं, बीजेपी तो इनकी पिछले अगली तैयारी करते हैं, किसको लाए, कैसे करे, कैसे तोड़े, समाज को तोड़े, पार्टी को तोड़े, संगठन को तोड़े, ये दूसरे लोगों पर निर्भर है। अविंतिका जी, मैं बाल मुकुंद शर्मा जी को बहुत नम्र से कह रहा हूँ कि मैं उम्र दराज हूँ, मैं उम्र तो आपकी भी आ जाएगी, मैं भगवान से प्रार्थना इतना ही करता हूँ कि थोड़ी आपकी आपकी तो नहीं कहूँगा आपकी पार्टी की मानसिकता थोड़ी बदल जाए तो अच्छा रहेगा। अब देखिए कहाँ से बात चली थी और ले आए तीन तलाक पे, जो एक इतना बढ़िया कानून बनाने में टांग अड़ाने वाले सबसे पहले थे। अब बोलिए बात, कानून क्या, अब बोलिए बात, नहीं जवाब बाद में, जब वो डायरेक्टर बोलेंगे तब बोलना, बीच में मत बोलिए, डायरेक्टर बीच में मत, आपकी आदत है, आप लोग मेरी आदत है, आप मेरी बात सुनिए, ये ना नैन साहब की तरह धमकियों से नहीं निकलते, ना बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बाल मुकुंद शर्मा जी आपको पूरा वक्त मिला, आपके पास फिर से जवाब दे लीजिए, अब मेरे बीच में बोल रहे थे आप, नहीं मैं नहीं बोल, बोल रहे थे, चलो आगे देख लेंगे रिकॉर्डिंग में आएगा, आप बोलो। अब ये कह रहे हैं कि हरियाणा दोनों साथी मिलकर के कह रहे हैं कि तीन बार जला, अरे हाथ हाथ अपने दिल पे हाथ रख के दिखाओ कि जलाया किसने, आपके लीडर थे जिन्होंने आग लगाई, नंबर दो आपने कहा कि कितने लोग दूसरी पार्टियों से हमने उधार मांगे, हमने मांगे नहीं थे, वो आपकी कुरुतियों से तंग होकर के वो हमारी पार्टी में आए थे और इलेक्शन जीता था, कैडर कहां गया, अब फिर बोले, अब बताइए राजीव रंजन रॉय साहब, टोटका एक तरह से इसको मारा जाए, क्योंकि 2014 से के जब चुनाव थे लोकसभा के, उससे पहले भी फरीदाबाद में सूरजकुंड होटल में जो है ये मंथन चला था बीजेपी और संघ का जो है एकजुट होकर, अब फिर से जो है चुनावों से पहले ये मंथन हो रहा है, क्या ये टोटका काम आएगा बीजेपी का, या ये लक्की होटल जो है ये फायदा देगा बीजेपी को? नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के जो लीडर्स हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की फैमिली का एक पार्ट है, इनका पॉलिटिकल विंग है, तो भारतीय जनता में पार्टी में भी इनके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट होता है वो आरएसएस के लिए रिजर्व्ड रहता है, वहीं उनके संगठन मंत्री आरएसएस के ही होते हैं, तो संगठन की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको मजबूत करने की वो आरएसएस के जो संगठन मंत्री होते हैं उन पर होती है, वो पार्टी प्रेसिडेंट और आरएसएस के जो सीनियर फंक्शनरीज हैं उनके साथ मिल करके ये काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा रही है, यह परंपरा काफ़ी मजबूत थी, जब वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जब पार्टी प्रेसिडेंट मुरली मनोहर जोशी जी होते थे, यह परंपरा बहुत मजबूत होती थी, बट पिछले कई सालों में यह परंपरा थोड़ी सी डाइल्यूट हुई, इसका वजह यह होता है कि जब आपके स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर जैसे, जब लीडरशिप जब आपका स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं उनकी बात आपको माननी पड़ती है, जैसे कि प्रेसिडेंट की नियुक्ति की बात को लेकर के प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जी ने एम्फेसाइज किया कि हम किसी दलित को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, तो आरएसएस को इस बात को माननी पड़ी, ये आपस में उनकी एक सिस्टम का हिस्सा है जहां वो बातचीत करते हैं, डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करते हैं, फीडबैक शेयर करते हैं, ये उनका इंटरनल मैकेनिज्म है, और मुझे लगता है कि उस हिसाब से वो चुनाव, देखिए हरियाणा में पिछले 2014 में जो जहाँ लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ था और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, उस जीत को रिपीट करना इस साल 2019 में ये उतना आसान नहीं होगा, तो आपको उस हिसाब से एक अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और ये उनका प्रेरोगेटिव है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है, ये स्ट्रेटजी कांग्रेस को भी बनानी चाहिए, INLD को भी बनानी चाहिए, बीजेपी के सामने इसीलिए जो है ये रणनीति अब इस तरह से मंथन करके बनानी भी पड़ रही है, मजबूरी इसको बीजेपी की माना जाए, क्योंकि दलित जो है वो पार्टी से दूर होते जा रहे हैं, आपके खुद के सांसद की बात करते हैं। अवंतिका जी देखिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल आपने रेज किया है, देखिए भारतीय जनता पार्टी
ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ये जो मेजॉरिटी जो सोशल हमारे सेगमेंट्स हैं, जो दलित्स हैं, ओबीसीज हैं, आज ही मैं किसी अखबार में पढ़ रहा था उदित राज जो इनके एक इम्पोर्टेंट एमपी हैं, हालांकि कल तक ये भारतीय जनता पार्टी को गाली देते थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में मिल गया और आज उसके एमपी हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से, वो कह रहे थे क्या कि अब जो ये लेटरल स्कीम जो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं केंद्र में, उसमें ये ओबीसी एससी एसटी को रिजर्वेशन दें, कई इस तरह की चीजें होती हैं। अब ये मैं समझता हूं कि पत्रकार के रूप में ये टोटल एसिमिलेशन जो होना चाहिए डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का, भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिटिकल स्ट्रीम है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से वो उसमें वो फेल कर जाते हैं। ये इनका टेन्योर पूरा होते होते एक ये मैसेज स्प्रेड होने लगता है और शायद ये परसेप्शन बन जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये एंटी पुअर है, एंटी दलित है, एंटी ओबीसीज है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चैलेंज है, चैलेंज है साहब, क्योंकि मध्यम वर्ग जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ माना जाता था वही दूर हो रहा है, खासा संतुष्ट नहीं है बीजेपी सरकार से, क्योंकि खास कुछ सरकार से मिला नहीं उन्हें। अवंतिका जी, आपने जो अभी समाप्त किया और मेरे साथी पत्रकार ने मैकेनिज्म तो उन्होंने समझा दिया, आपने कहा कि फला फला वर्ग जो है हमसे छिटक गया है या दूर जाने वाला है। अब ओबीसी की बात मेरे साथियों ने की तो हम तो उस ओबीसी की नोटिफिकेशन को, आपको पता है उसमें रुकावट कौन कर रहा है, वो नोटिफिकेशन करने के लिए पार्लियामेंट में उसको पास करने के लिए मेरे दोनों के दोनों साथी जिम्मेदार हैं उसके। अब ये कहना चाह रहे हैं कि मध्यम वर्ग का जो लोग है, कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने कहा है कि डिजिटलाइजेशन जो है उसमें मध्यम वर्ग का आदमी हमसे चटक नहीं रहा है, मध्यम वर्ग का वही आदमी जो काला बाजारी करता था, ब्लैक मनी का काम करता था, जिसकी पूंछ पे सरकार ने क्या विशेष किया मध्यम वर्ग के लिए सनवारिया साहब? क्या सरकार ने क्या विशेष किया मध्यम वर्ग के लिए? देखिए, क्योंकि जितनी राहत योजनाएं बनती हैं वो गरीबों को उनका फायदा होता है या फिर अमीरों को उनकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन मध्यम वर्ग के ऊपर महंगाई की मार भी गिरती है, हर तरह से गिरता है मध्यम वर्ग। अवंतिका जी, आपने बहुत ही एक सोशल स्ट्रक्चरिंग का इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि हमारी सरकार जो है वो गरीबों के लिए ही कर रही है, जो मध्यम वर्ग के लिए नहीं कर रही है। अविंतिका जी, जब तक के गरीब ऊपर नहीं उठेगा, मिडिल क्लास के डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। मध्यम वर्ग के लिए जो मैं योजना गिनाने शुरू तो 100 मध्यम वर्ग की बात करना चाह रहा हूँ कि आज हमारे पास एक नेशन एक टैक्स है, आज हमारे पास डिजिटलाइजेशन पावर है। महंगाई इसी हिसाब से बढ़ रही है, महंगाई की मार इसी हिसाब से बढ़ रही है। जो भी नैन साहब, जो भी योजनाएं बनती हैं या तो एकदम गरीब वर्ग जो है उसको उनका फायदा मिलता है, मध्यम वर्ग जो है वो पिसता ही है, और सरकार जो है मध्यम वर्ग को साध नहीं पा रही, और यही वजह है कि 2 से 3 महीने में जो है कोई ना कोई बड़ी प्रभावशाली योजना जो है लाने की तैयारी है, जो इस मंथन शिविर में सामने आ रही है बातें निकल कर। देखियो, जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता सलारिया साहब ने ये बात कही है कि मध्यम वर्ग के बराबर हम इसको जो नीचे वर्ग है उसको लेना चाहते हैं, मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि भी आप मध्यम वर्ग को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, मध्यम वर्ग के बारे तो बताइए। मध्यम वर्ग को ये उसकी जगह लेना चाहते हैं और इनको उठा के मध्यम वर्ग की, और फिर बात करते हैं वहां बैठ के। अब इनकी जो प्लानिंग है वहां पे, इनकी प्लानिंग ये है कि भी अब इलेक्शन नजदीक आ गया, भी हमने 4 साल में इतने लड़ाइयां करवाई है हरियाणा के अंदर, अब अगला मुद्दा हम क्या उठाएं जिससे एक दूसरे के साथ फिर भड़क जाएं और हम उसमें दोबारा से फिर पहले की तरह आगे आ जाएं। अब इनका मेन ये मकसद है, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं, कोई इन्होंने देश में काम नहीं किया, कोई प्रदेश में काम नहीं किया। 15-15 लाख रुपए ये डालने की बात कर रहे थे, वो पता नहीं कहाँ खत्म कर दी। विकास का मुद्दा जो है उसको बुला के जी एक नया मुद्दा ये शुरू कर देते हैं, चाहे वो जात बरादरी का मुद्दा ले आएंगे या धर्म का मुद्दा ले आएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ उठा के ना कुछ ना कुछ फिर अपना वोट बैंक हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है इनकी चाल को, क्योंकि 4 साल से जनता भुगत रही है इनको। आप देखिए, अब जो इन्होंने जीएसटी लागू किया, नोटबंदी की, व्यापारी का क्या हाल हो चुका है। मैं तो कहता हूँ पहले तो किसान का इतना बुरा हाल था, किसान का हाल ऐसे ही रहा, अब व्यापारी कौन व्यापारी खुश है? मेरे साथी बता दे, व्यापारी वो खुश है? अभी इन्होंने कहा कि भी वो व्यापारी खुश नहीं है, मध्यम वर्ग वो खुश नहीं है जो मध्यम वर्ग
दो नंबर के काम करता था, गलत काम करता था, वो तो आज भी खुश है क्योंकि आज वो आपके साथ लगा हुआ है। वो आज आपके साथ, उन्होंने तो जो पहले जो सरकार है उनके साथ लग गया, आज आपके साथ लग के खुश है वो तो। पर मध्य वर्ग जो असली मध्य वर्ग है, असली व्यापारी है, असली बिजनेसमैन है, वो खुश नहीं है इनसे। हम यहाँ टीवी डिबेट बैठे किसी का अपमान नहीं कर सकते, मानवीय भावनाओं को आहत नहीं कर सकते। कैसे कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग दो नंबर का काम करते हैं? मुझे तो शर्म आती है मेरे मुख से मैं ऐसी बात। अरे मध्यम वर्ग जो लोग गरीबी रेखा से आज़ादी के बाद जिनकी तीन तीन पीढ़ियों ने संघर्ष किया और जो लोग यहाँ आए उनको बोलते दो नंबर का काम करेंगे, बहुत शर्म की बात। गरीब वर्ग को साधने के लिए लगातार कई राहत योजनाएं जो है वो सरकार की ओर से लेकर आई जा रही है। मध्यम वर्ग को साधने के लिए दो से तीन महीने में जो तैयारी है कि कोई प्रभावशाली योजना जो है सरकार लाने की तैयारी में है, और जो बड़ा वर्ग है उनकी सरकार ये बताई ही जाती है, तो कांग्रेस जो है अपने लिए मेरे जैसे करोड़ों लोग मध्यम वर्ग में आते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ करोड़ों लोगों को ये कह रहे हैं कि वो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो दो नंबर का काम करते हैं, जबकि एक मिनट मेरी बात पूरी, जबकि जो जो आयर जो जो नौ नौ करोड़ रुपए लेकर के मोहुल चेक्सी है, नीरव मोदी है, विजय माल्या है, वो लोग मुकेश वो क्या नाम वो लोग तो पैसे लेके भाग गए, उनका इन्होंने कोई इलाज नहीं किया, उनको इनका भगाया। मध्यम वर्ग को कह रहे हैं ये वो दो नंबर के काम करने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोग, उनको ये दर्शा रहे हैं। एक और बीच में बात रखी, नैन साहब कहना तो चाह रहे थे लेकिन पता नहीं क्या बात हो ये स्पष्ट नहीं कर पाए, हरियाणा को जलाने की तीसरी तैयारी ये कैसे कर रहे हैं? राजकुमार सैनी और यशपाल मलिक दो आदमी ऐसे हैं जिसने हरियाणा का माहौल खराब किया। पूरी रोने थे मेरी बात, वीरेंद्र सिंह जाता है यशपाल मलिक के प्रोग्राम में जो इनका केंद्रीय एमपी है, तीन चार इनके विधायक एमपी सपोर्ट करते हैं राजकुमार सैनी, क्योंकि राजकुमार सैनी ने कोई बात गलत नहीं की। मतलब ये दो लोगों को दो फाड़ कर करके ना तो राजकुमार सैनी के खिलाफ कार्रवाई करते ना चौधरी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन स्टैंड है कि यशपाल मलिक के प्रोग्राम में वो गया और ये दो आदमी चिन्हित है भाईचारा भटकाने के लिए। ये आरोप लगाए जा रहे विपक्ष की ओर से, बीजेपी जात पात की राजनीति तो करती आई है लेकिन अब जो तैयारी है उनसे पहले एक कुआं एक मंदिर एक शमशान की तैयारी अब जो है कही जा रही है बीजेपी की ओर से। सबसे पहले तो मैं मेरे स्टेटमेंट को मिसकोट किया, उनकी आदत है कांग्रेस वालों की कि वो मिसकोट करते हैं। मैंने सारे मध्यम वर्ग को दो नंबर का, आप तो एक नंबर के ही करते हैं, कांग्रेस तो करती ही एक नंबर का काम है। मुझे आपका सवाल, आपने कहा कि जो परेशान है वो दो नंबर वाले परेशान है, यानी कि जो भी परेशान है सबको दो नंबर में डाल देंगे आप? नहीं, इन्होंने कहा, मैंने नहीं दो नंबर पर डाला सिर्फ, नहीं मैंने कहा कि कुछ लोग जिसकी पूंछ पे पैर पड़ा। चलो एनीवे, अब आपने जो सवाल पूछा है कि अब पॉलिटिक्स इलेक्शन ईयर में आपने कहा कि हम लोग एक कुआं एक मंदिर एक शमशान, इसमें समता, अगर समाज में समता ला दी जाए तो उसमें नुकसान क्या है? जो 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 दलित, जैसे कि अभी मेरे विश्लेषक ने यहाँ बताया कि एंड तक क्या होता है, चार पाँच साल में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन बीजेपी के बारे में मेरे साथियों के द्वारा, 15 लाख रुपए हमें दो वगैरह वगैरह करते हैं, तो उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ऐसे ऐसे एजेंडा, एजेंडे में खराबी क्या है अगर एक कुएं पे हम पानी भर? नहीं, 2019 के चुनाव जीतने हैं इसलिए अब दलितों की फिर से याद आ रही है, दलितों के घर घर जाने की जो है तैयारी अब की गई, कई जो है सांसद आपके मंत्री जो है वो पहुंचे हैं दलितों के घर खाना खाने के लिए, अब दलितों के हित की, ऐसे कैसे दलितों का हित सुधरेगा? मिस यादव, अब नहीं, हम दलितों के अगेंस्ट नहीं थे कभी भी। आप हमारी आप संघ से आज क्योंकि प्रतिबद्ध रहा, आप हमारी शाखाएं जो 50 लाख परिवार की शाखाएं चल रही है वहां पे कितने दलित हैं, वहां कोई ना जात ना पात किसी के, इनके महात्मा गांधी जी ने कहा था एक बार शिविर में, हमारे महात्मा गांधी जी ने, हाँ मतलब मैं आपके ही महात्मा गांधी कहने जा रहा हूँ और आपके जवाहरलाल नेहरू ने, आपके ही कह रहा हूँ जो आपकी पार्टी के थे, आप तो प्रणब मुखर्जी को ना करिए कल की डिबेट में कि वो हमारी पार्टी का आदमी नहीं है, उन्होंने हमारे शिविर में पूछा तुम्हारी जात का है, उसने कहा भारतीय, दूसरे को पूछा तुम्हारी जात का है भारतीय। तो इन लोगों का तो जो नेगेटिविटी दूर करने के लिए हमें वो सब बातें, जो सच्चाई प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि हम अब टेकअप नहीं कर पाए, जो योजनाओं की बात करो, जितनी मेरी सरकार ने योजना बनाए हैं मध्यम वर्ग को, तो आप कहेंगे कि ये कह रहे हैं कुछ नहीं, आज सड़कों का बनाने का सरकार तो मेरी भी है वो, नहीं मानो तो ना मानो तो, चलो आपकी पार्टी, आपकी पार्टी है, आप सरकार मेरी भी है, आप मानो आपकी मानी वो पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रिया सरकार तो है हमारी, वो आपकी पार्टी की बात करो ना, लेकिन राजीव रंजन रॉय साहब लगातार सरकार इस बात को लेकर भी घिरती रही है कि अगर हम राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि जो सरकार में दलित हैं या ओबीसी हैं, जो कामकाजी वर्ग है उनका शोषण होता रहा है।
ये देखिए, ये ओबीसी और जो दलित हिंदू हैं इंडिया में, उनके साथ भेदभाव काफ़ी बरसों से होते आ रहा है, और कांग्रेस के टाइम में भी होता था, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में भी हो रहा है, और भविष्य में भी होगा, जब तक कि ओबीसी और दलित हिंदू लीडरशिप जो है वो अपने आप को एसर्ट नहीं करेंगे और वो एक अपना इंडिपेंडेंट लीडरशिप क्रिएट नेशनल लेवल पे नहीं करेंगे। तो वो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ हम बात कर रहे हैं, और हम देखिए मिडिल क्लास की बात कर, मिडिल क्लास से आज क्या हमारा तात्पर्य है? देखिए मिडिल क्लास जो भारत में इमर्ज हो रहा है वो सैलरी ड्रिवन मिडिल क्लास है, जिनकी सैलरी बढ़ जाती है वो मिडिल क्लास में आ जाते हैं। सेवंथ पे कमीशन आया तो हमारा मिडिल क्लास का दायरा बढ़ गया, लेकिन नेचुरल प्रोसेस से मिडिल क्लास हमारे यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा है। जो गरीब है वो उस लेवल पर नहीं पहुँच रहे हैं, तो वो गरीब ही हैं। अब हिंदुस्तान के जो गरीब हैं, जिनकी ज़्यादातर संख्या, यह फैक्ट है कि वो देखिए पिछड़ी जाति और दलित भाइयों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उनके लिए हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटीज क्या है? बहुत पुअर है। जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो आज प्राइवेट फाइव स्टार होटल्स में, सॉरी हॉस्पिटल्स में जाकर के ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, उनको भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज पे निर्भर करता है। तो और गरीबी की जहां तक बात है, गरीब लोगों की फैसिलिटीज की बात है, अवंतिका जी, हमें यह देखना है कि आप उनके लिए जो काम कर रहे हैं उसका आउटकम क्या है। देखिए पैसे दे देना, नए नए स्कीम्स लॉन्च कर देना, बट उसका रिजल्ट क्या है? आप उसकी लाइफ में कोई, यानी सिर्फ कागजों में काम हो रहा है लेकिन असल में उसका जो फायदा मिलना चाहिए नहीं, नहीं, नहीं मिल रहा है। सनवारिया साहब जी, नहीं, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि जो गरीब आदमी है मिडिल क्लास में कौन आता है, जो सिर्फ पे जिसकी बढ़ जाती है या पे कोई हाइक मिल गया, उस गरीब आदमी को उस लेवल तक, मेरे पढ़े लिखे बहुत ही विद्वान साथी ने कहा था कि हम मिडिल क्लास को नीचे गरीबी रेखा में लाना चाहते हैं। नहीं मेरे दोस्त, आज जो मेरी स्कीम जिसको आप कहना चाह रहे कागजों में स्कीम है, नो, अब कागजों में स्कीम नहीं होती। जो मेरी पुरानी यूपीए सरकार के 54,000 प्रोजेक्ट बाकी बचे हुए थे वो हमारी एनडीए सरकार ने कबर्ड से निकाल निकाल करके वो उनको एक्टिवेट किया है। अब बात गरीब, अब इन्होंने एक बार, मैं डॉक्टर होने के नाते इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बात किया कि गरीब आदमी बीमार हो जाता है, फाइव स्टार तो क्या साहब, वो ऑर्डिनरी इलाज नहीं करा सकता। हमारी सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो आयुष्मान भारत स्कीम लाए वो माइंड चेंजर्स है। उसको भी कुछ लोग जो अपोजिशन पार्टी के हैं कहते हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी बात सही है कि वो कागजों में अच्छी है, और ये इत्मीनान रखिए वो स्कीम आने वाले समय में पूरी की पूरी नहीं मिल रहा है, आपने मान लिया आने वाले समय में मिलेगा। हां अविंदिका जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब इस बात पे मुझे लगता है कि बिल्कुल प्रकाश डालना चाहेंगे। देखिए हिंदुस्तान में जो 80% गरीब लोगों की जो मृत्यु होती है वो पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज से होती है, वो हेल्थ की वजह से नहीं होती, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होने की वजह से नहीं होती है, क्योंकि गरीबी की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनकी वजह से उनकी मृत्यु होती है। तो हमारा जो प्रिंसिपल प्रॉब्लम वो गरीबी है, और गरीबी का सबसे जो जबरदस्त कारण है ये ग्लोबल फिनोमेनन है। कोई भी देश जो गरीब देश आज अमीर बना है, उसने सबको क्वालिटी एजुकेशन देकर के वो अमीर देश बना है। पैसे देकर के किसी गरीबी से आप नहीं लड़ सकते हैं, वो गरीबी, उससे गरीबी भगाने का एकमात्र तरीका है जिसको विश्व के कई देशों ने प्रैक्टिस किया और आगे बढ़े हैं, वह एजुकेशन। तो गरीब लोगों को एजुकेशन हिंदुस्तान में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। हमारे देखिए 50-60% बच्चे क्लास 12 और 10th में बोर्ड में फेल कर जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और दुर्भाग्य से शिक्षा पर हमारी सरकार की जितनी होनी चाहिए नज़र और जो सीरियसनेस होना चाहिए वह नहीं है, और गरीबी, अदरवाइज गरीबी हम बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं, पैसे देकर के नहीं हटा सकते हैं। देखिए अंतिका जी, जैसे अभी सलवारिया साहब ने बताया कि अभी हम दलित के लिए ये काम करने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका ये इतना बुरा हाल है भारतीय जनता पार्टी का, ये दलित के घर खाना खाने के लिए जाते हैं तो खाना इनका होटल से जाता है, और दलित के घर जाते हैं सोफे और जो भी सामान है वो कहीं और से अरेंज करके ना वहाँ पर जाता है। जब तो वो खाना खा के बाहर निकलते हैं साथ के साथ वो सामान, कूलर, एसी, वो सारा साफ कर दिया जाता है। होटल में जाके नहाते हैं, होटल में जाके नहाते हैं। अभी मैं दलित के घर से आया हूँ तो होटल में जाके अच्छी तरह साबुन लगा के नहाते हैं। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, लेकिन दिलबाग नैन साहब, क्योंकि बीजेपी के साथ में माना जाता है कि ओबीसी वर्ग जो है उसने हमेशा से साथ दिया बीजेपी का, हालांकि अभी जो है मध्यम वर्ग ओबीसी हो थोड़े से जो है नाराज जो है सरकार से, थोड़े से नाराज नहीं, बहुत ज्यादा नाराज हैं। लेकिन राहुल गांधी की ओर से भी अब ओबीसी को साधने की कोशिश की जा रही है, उनको साथ लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे जो ओबीसी है वो हमेशा दूर रहे कांग्रेस से।
मैंने पूछ रहे नहीं नहीं नैन साहब कांग्रेस की ओर से भी कोशिश है उनको साधने की। देखिए जो मध्य वर्ग है शुरू से ही मध्य वर्ग पिछता रहा है, दलित वर्ग पिछता रहा है, दलित वर्ग को लुभाने के लिए कांग्रेस ने भी बहुत कोशिश की, अब भारतीय जनता पार्टी भी बहुत कोशिश कर रही है। तो मैं ये कहूंगा कि भी चार साल तक आज दलित की आप बार बार बात कर रहे हैं, दो महीने चार महीने छह महीने से हम सुनते आ रहे हैं कि दलित का हम ये कर देंगे दलित का वो कर देंगे, अब चार साल से सत्ता में बैठे हैं, चार साल से दलित के लिए आपने कौन कौन सा काम करके दिखाया है वो बताएं कि भी चार साल में हमने दलित के लिए एक कोई भी काम बताएं कि भी दलित के लिए ये काम किया। उन्होंने पहले भी चेताया सरकार को, उन्होंने बार बार सरकार के खिलाफ जो इस तरह से बोला भी है उन्होंने मीडिया के सामने आकर भी कि दलितों पर शोषण बढ़ा है सरकार में, बिल्कुल बढ़ा। अवंतिका जी मैं नैन साहब पे कॉमेंट नहीं करूंगा, मेरे वो पोलिटिकल ओपोनेंट है, मैं सूत्र को उठाता हूँ हमारे एक्सपर्ट से कि कोई भी सरकार पैसे दे के गरीबी खत्म नहीं कर पाएगी, उस सरकार का एक विजन होना चाहिए कि जो एजुकेशन की बात इन्होंने की, सरकारिया साहब शोषण बढ़ाए दलित का, बिल्कुल किसी लगातार खबरें सामने आती हैं, लगातार खबरें सामने आती हैं। ऊना में क्या हुआ, ऊना में क्या हुआ, ऊना पर टू भी हुआ, कल की नई खबर है महाराष्ट्र में हुआ है, नंगे करके पीटे गए, महाराष्ट्र हो राजस्थान हो गुजरात हो जगह नंगे करके पीटे गए, और सरकार इनकी है, ऊना में पर टू हो गया, आपके सांसद खुद कहते हैं कि शोषण बढ़ाए, आपके सांसद झूठ बोल रहे हैं। अभी बिहार में भी एक दलित मदर और उसकी बेटी को सर पिता के सामने रेप किया और उन लोगों को अभी तक सरकार ने अरेस्ट, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। मैं जो इस वक्त आप इंसिडेंट अगर आइसोलेशन के लेकर के आ जाएंगे तो उसको राष्ट्रव्यापी मत बनाइएगा, दलितों के बारे में जितना भी कुछ आइसोलेशन में मत लीजिए। कल मैं एक डिबेट में था और एक पत्रकार का जो दुखदायक अंत हुआ कश्मीर में उसको लेकर के आप सारे चंडीगढ़ और सारे स्टेट्स को नहीं मिला कर सकते, ये जो एक एक आइसोलेशन मैं कहना चाह रहा हूँ ये घटनाएं पहले भी होती रही थी, बड़ी दुखदायी अगर पहले होती थी तो आपकी सरकार में जायज कैसे हो जाएगी, नहीं, 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 तो रोकनी है ना। मैंने कब कहा जायज है, वो दुखदायी है इस तरह की घटना, लेकिन उनको रोकने के लिए उन लोगों को इतना सशक्त बनाना पड़ेगा कि जो उसके ऊपर जाति कर रहा है, और वो सशक्त कैसे बनेगा, नहीं वो बना रहे जी, सुनो अब सुनो तो सही साहब, उनको सशक्त जैसे अभी एक्सपर्ट ने बताया पैसे देने से 10 लाख या 15 लाख जैसे मेरे साथी मांग रहे हैं उससे काम नहीं, उनको मैं सशक्त जनता मांग रही है, हम नहीं मांग रहे, सुनिए आप भी जनता भी पैसे जनता मांग रही है, जो आपने घोषणा पत्र में वादे किए थे, जो मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे वो पूरे करिए। सुनिए यार, या तो फिर तो वही बात है, अब जो है उनको एक्सपर्ट उनको स्किल देना है, वो मेरी सरकार ने ही स्किल इंडिया मेन इंडिया का नारा दिया और उसको करके दिखाया और करके दिखा रहे हैं, हमारे वो जो 10वीं और 12वीं क्लास की एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है, उनको स्किल के लोग बना करके उनको कारपेंटर उनको एक्सरे टेक्नीशियंस ताकि वो अपने पैर पे खड़ा होकर के और जो जो लोग उनको शोषण करते हैं हाँ। उसके बराबर आ जाए, यानी इंतजार करें कि जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, अभी जो स्कूल में जाने शुरू है उसके बाद उसको डिग्री दूर करने में कामयाब हो जाएगा। अरे डिग्री तो कहीं ना कहीं से अंतिम का शुरू करनी पड़ेगी ना भाई, इनकी जो 70 साल के इतना लंबा इंतजार, यहाँ पर अभी देश को आजाद हुए भी 3 साल हो गए हैं, उसके बावजूद हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा करें कि दलितों के ऊपर शोषण खत्म नहीं हो रहा है, अभी तक ये चीजें खत्म नहीं हो रही है देश में, बेहद शर्म की बात है। एक चीज मैं अवंतिका जी यहाँ ऐड करना चाहूंगा, देखिए दो तरह के गोल्स होते हैं एम्पावरमेंट लोगों को करने के लिए, शॉर्ट टर्म होता है एक लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म पे हम बहस नहीं करेंगे, हम शॉर्ट टर्म पे करेंगे। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं, ये हमारी कमिटमेंट की बात है, हमारी कमिटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उसको आप समाज के सभी वर्गों में बांटिए। देश ये अविंदिका जी मैं एक सेकंड लूंगा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि आज 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 देखिए देखिए जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं 95% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर जो है नॉन ओबीसी दलित हिंदूज हैं, जो ओबीसी दलित हिंदूज कष्ट सहकर के उस लेवल पे पहुंचे हैं सरकार उसको क्यों नहीं मौका दे रही है, कई इतने इतने सारे डायरेक्टर्स के पोस्ट हैं उनके वहां तक उनकी सीट अपॉइंटमेंट नहीं होती है। हाँ, एक लेवल पर ये, वो भी हाँ, ये है अब ये है क्या कि सिंबॉलिक एम्पावरमेंट भी बड़ा मायने रखता है, तो सरकार से बार बार जैसे कि एक भारतीय जनता पार्टी एम्पावरमेंट जो है इसकी तरफ जो है सरकार अगर ध्यान देना चाहिए, बेहतर जो है एक माहौल जो है वो बेहतर बन सकता है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। मिशन 2019 के तहत बीजेपी और संगठन मंत्रियों की ओर से सूरज कुंड में मंथन शिविर किया जा रहा है। 3 दिवसीय मंथन शिविर का आज तीसरा और आखिरी दिन है और ऐसे में सवाल ये कि क्या संघ के सहारे बीजेपी की नैया पार लग पाएगी, क्या जो रणनीति तैयार की जा रही है उसके सहारे 2019 को पार कर पाएगी बीजेपी, इस चुनाव को जीत पाएगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक विशेष पैनल स्टूडियो में मौजूद है और आपसे सवाल होगा सनवारिया साहब, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर वो कहते हैं कि फेल है ये मंथन शिविर, क्योंकि यहां पर एक और जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसे में क्या मतलब बन जाता है इस मंथन शिविर का, जब प्रदेश में सरकार आपकी है, लोग ही खुश नहीं है प्रदेश में। बिल्कुल, मैं तंवर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उसने सत्यता मान ली कि उनका जो इतने सालों का मिसरूल था, और मैं उसको लेमन लैंग्वेज में कहूँ, जो खड्डे खोद के गए थे उनको भरते भरते अब हम लोग इस लेवल पे पहुँचे हैं कि आगे क्या किया जाए उन गरीबों को। आज पानी पीने की अभी बात की थी कि जितनी भी डेथ होती हैं हेल्थ रिलेटेड जो है, बीमारी से नहीं, एक सेहत के बारे में होती हैं, तो कम से कम तंवर साहब ने ये तो मान ली, हमारे प्रवक्ता तो नहीं मानेंगे कि इतने साल लंबा राज्य करने के बाद सरकार किसकी है अभी प्रदेश में? हाँ, हमारी सरकार है, तो सुधार करने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं तो हम जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो माइनस डेबिट छोड़ के गए थे उसको पूरा करने के लिए हमें पूरा का पूरा सर, कब तक आपकी कार्यकाल जो है वो अंत होने की तरफ आ गया है? अभी तक उसी पुराने गड्ढों का आप कह रही है अंत होने का, मैं तो कह रहा हूँ अगला शुरू होने का समय भी आने वाला है, और उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा और राष्ट्र में पूरी उन उम्मीदों पे खरी खरी उतरे। चाट पकौड़ियों तक सिमट कर रह जाएगा मंथन शिविर जो अशोक तंवर कह रहे हैं। पकौड़े और अचार की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा न्यूट्रिशियस चीज देखिए, इन लोग वाले मेरे साथी हंस रहे हैं कि पकौड़ों से तो बहुत जरूरी जरूरी न्यूट्रिशन मिल जाएगा। देखिए अवंतिका जी, मैं आपको बता दूं, आपको 2 दिन बाद ही पता लगना शुरू हो जाएगा, और आपके माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही हम सुनाया करेंगे कि भी इन्होंने जो मंथन किया था उसका रिजल्ट क्या आया। जो इनका मंथन है उनका बेसिकली मुद्दा ही ये है कि भी जनता का ध्यान कैसे भड़का जाए, क्योंकि विकास नहीं हुआ, बिल्कुल विकास नहीं हुआ हरियाणा के अंदर, किसी तरह का कोई विकास नहीं है, मैं आपको बता दूं। और विकास नहीं हुआ तो विकास का मुद्दा को भड़काने के लिए इन्होंने ये मंथन रख के कोई न कोई नई प्लानिंग ले आके किसी न किसी के आपस में झगड़े करवा देंगे, जात बरादरी पर ले आएंगे या उस पर धर्म पर ले आएंगे या कोई और तीसरा, पता नहीं लगता अब नया क्या आएगा, वो तो अब इंतजार करेंगे, देखो क्या नया लेके आते हैं, चलिए उसका इंतजार करते हैं। लेकिन बाल मुकुंद शर्मा जी, तैयारी बीजेपी की ओर से जो है 2019 से पहले जमकर की जा रही है, संपर्क फॉर समर्थन तो चल ही रहा है, मंथन शिविर भी चल रहा है, रणनीति तैयार हो रही है, और ऐसे में दूत भी उतारे जा रहे हैं अब जो है मैदान में अमित शाह की ओर से, बीजेपी का नाम ही झूठ झूठ झूठ। ये 2019 लगा इनको मिला हुआ है, इनके प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि हमारा टारगेट 2022 है। अब ये इनके प्रधानमंत्री कहां से आ गए अफसर? एक मेरी बात तो सुनो, मैं उसमें प्रधानमंत्री मेरे भी हैं। अभी मैं मान रहा हूं, अभी अपनी चर्चा पार्टी पर चल रही है, सुनो मैं कह रहा हूँ आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के है ना, वो 2022 सुनो 2022 का ये टारगेट देते हैं, 19 तक इनको दिया, ये कहते हैं हम 22 तक ये करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री राणा कहता है कि पहले 1.5 साल तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं मुख्यमंत्री हूं भी कि नहीं हूं, इसलिए मुझे तो अब 2 ही साल हुए हैं, मतलब 1.5 साल का तो आकलन ही छोड़ दो। नहीं, बाल मुकुंद शर्मा जी, सवाल ये था आपसे, कि बीजेपी की ओर से 2019 जीतने के लिए इतनी सब योजनाएं चलाई जा रही हैं, दूत एक भी योजना नहीं उतारे जा रहे हैं, आप एक भी योजना लिया जा रहा है, संपर्क फॉर समर्थन चलाया जा रहा है, मंथन शिविर में रणनीति भी तैयार हो रही है, कांग्रेस कहाँ काम कर रही है? ये जो लोग गाय गीता गंगा की बात करने वाला, इन्हीं की बातों में लेता हूँ, इन ये कहते हैं भगवान राम ने ये कहा था कि वे दूतों से युद्ध नहीं जीते जाते, उन्होंने 2 दूत पकड़ के लाए थे तो उन्होंने कहा इनका क्या हाल किया जाएगा, इनको छोड़ दो यार, दूतों से युद्ध थोड़े जीते जाते हैं, ये लोग दूतों से, ये मैं ये कहता हूँ हरियाणा में पहली बार सरकार बनी, कैसे क्या तैयारी है आपकी? इनकी कोई तैयारी नहीं, हमारी तो देख रहे हैं, साइकिल यात्रा में एक एक घर पे, एक एक चौखट पे, एक एक दरवाजे पर हमने दस्तक दी है। हमारा जो युवा चेहरा मुख्यमंत्री का, हमारा चेहरा, हमारा प्रदेश अध्यक्ष, युवा नेता, दलित, जिस राजनीति की ये बात करते हैं वो आज प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस, सिर्फ युवा नेता और वो प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं, इसके सहारे थोड़ी आप और क्या चाहते हो, और क्या चाहते हो, और क्या, हाँ तो है ही, हो तो उसमें और क्या है,
पार्टी की तरफ से घोषित हो गया सर ये? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सवाल पूछ रहे थे कांग्रेस के कि भाई आपकी तैयारी क्या है इलेक्शन के लिए, ये तो मेरी तरफ कह रहा है इनकी कोई तैयारी नहीं है। हाँ। तो मैं ये तो हार मान चुके हैं। मैं बात पे कमेंट करना चाह रहा हूँ, मेरे साथी ने कहा कि इनका मुख्यमंत्री आप, हाँ नहीं, जो सच्चाई को सुन के तो इनकी हिम्मत है, मैं इनको सल्यूट कर, इन्होंने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री 1.5 साल तक ये कहता रहा कि तो मुझे कुछ आता नहीं। मैं इनका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक संगठन महामंत्री रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के संगठन महामंत्री रहे हैं। मैं तो इनसे पूछना चाह रहा हूँ, जब चौधरी साहब आपके भूपेंद्र जी बने थे मुख्यमंत्री, वो मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, मैं पोलिटिक, उनको कहाँ से आता था, कहाँ से उठा करके आप कहाँ ले आए थे, किसको बनना था, ये इमेटीरियल है। आपकी दिशा, आपकी नियत, आपकी नीति क्या है, उस तरह से संसार के नीति चलती है। राय साहब जी, बीजेपी एक तरफ जहाँ इतनी सारी योजनाएं शुरू करे 2019 जीतने के लिए, यहाँ पर बीजेपी के अध्यक्ष है वो लगातार डटे हुए मैदान पर, संपर्क फॉर समर्थन चल रहा है, मंथन शिविर चल रहा है, रणनीति तैयार हो रही है, लोगों से जा जाकर जो है मुलाकातों का दौर चल रहा है। कांग्रेस की ओर से जहां पर ग्राउंड लेवल पर ही जो है जिला इकाइयां ही तैयार नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है सीरियस उतनी नजर नहीं आ रही जितना बीजेपी जो है लगी हुई है मैदान। देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, जो हम जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं वो सही है, अमित शाह उनके जो लीडर हैं वो काफ़ी जगह संपर्क, वो अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, और स्वाभाविक है चूँकि वो सत्ता में हैं तो थोड़ा सी उनको ज़्यादा मेहनत इसलिए भी करनी होती है। आपको एंटी कई चैलेंजेस होते हैं जो पार्टी पावर में होती है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, देखिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अनफॉर्चुनेटली, यहाँ कई खेमा है लेकिन ऑफिशियल जो कांग्रेस पार्टी, जिसको हम कांग्रेस पार्टी मानते हैं, वो ये डॉक्टर अशोक तंवर है, उसके लीडरशिप में पार्टी काफ़ी काम कर रही है, वो भी खुद काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी लोगों से बार बार मिल रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी, वो भी रैलीज कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, डॉक्टर अशोक तंवर को हमें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हरियाणा में देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी तो किसी ने नहीं सोचा था और किसी पत्रकारों ने भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी बहुमत मिलेगी। जनता हरियाणा की बहुत इंटेलिजेंट है और वो डिसाइसिव मैंडेट देंगे। आपको पता नहीं कि वो क्या सोच रहे हैं, हम सबों को पता नहीं है। अब अंडर करेंट वाली जो बात होती है वो हमें पता नहीं होता है, और मैं पहले दिन से देख रहा हूं कि डॉक्टर अशोक तंवर जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, लगन से मेहनत कर रहे हैं, यह बात सही है कि पार्टी के कई तबके का उनका सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद उनके रैलीज को मैंने देखा, साइकिल रैलीज में जिस प्रकार स्पॉन्टेनियस सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ मनी का कोई रोल नहीं है। देखिए, उनके पास पैसा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखिए प्रयास में कोई कमी नहीं है। अब फिर फाइनल ये देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी लीडरशिप पे है, पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स हैं, आपको मिल करके बैठ करके कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको चुनाव मैदान में जाना पड़ेगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी से आपको टक्कर लेनी है। कांग्रेस की ओर से देखिए, हालांकि जिला इकाइयां जो है वो ग्राउंड लेवल पर जो काम होना चाहिए वो नहीं शुरू हुआ है, भले ही जो है साइकिल यात्राएं की जा रही हो, लोगों से मिला जा रहा हो, बीजेपी की ओर से रणनीति तैयार की जा रही है, दूत जो है वो उतारे जा रहे हैं, 2019 जीतने की पूरी तैयारी में है, इनेलो कहीं ना कहीं जल युद्ध तक सिमट कर रह गई है। देखो अंतिका जी, जल युद्ध भी एक बहुत बड़ा हरियाणा के लिए वो काम है, सिर्फ एक मुद्दे के पानी अगर नहीं है, अगर पानी ही नहीं रहेगा तो प्रदेश कैसे बचेगा। जल है तो कल है। ये हमारे अभय सिंह चौटाला जी का मेन मुद्दा है कि जल हमने लेके आना है, और ये जो स्टार्ट किया है ये अब नहीं, सरकार आएगी और सरकार के बाद जब तक ये जल लेके नहीं आते जब तक इसको रखेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भी भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, अभी जो ये प्लानिंग बना रहे हैं बैठ के, इन्होंने क्या करना है, इनकी प्लानिंग चल रही है कि भी एमएलए बदल दो, प्लानिंग पता है, एमएलए बदल दो, ये एमपी बदल दो, क्यों बदल दो, क्योंकि उन्होंने काम तो किया नहीं, दूसरी पार्टियों से ले आएंगे, कह रही ये तो हमारे हैं नहीं, इन वाली से ले आएंगे, इन्होंने काम किया ही नहीं है तो वो तो बदलने पड़ेंगे इनको। अभी मैं पीछे एक मीडिया से कोई न्यूज देख रहा था कि जी कम 50% ये अपने विधायक बदलेंगे, 50% विधायक क्यों बदलेंगे, क्योंकि इनके विधायकों ने काम तो किया ही नहीं है, मुबारक देता हूँ कि इनकी सीआईडी तो जो असली सीआईडी है। अब ये नहीं, अब तो आपने कहा था कि सारे के सारे मैं इतमान
बिल्कुल हार मान चुके हैं 2019 के लिए। नहीं, आपको टिकट मिल रही है कहीं से? आपको मिल रही है? इंडियन नेशनल लोकदल उनकी बात बसपा की सरकार बनने वाली है। चलिए चलिए, आप दावा कर रहे हैं बसपा और इनेलो की सरकार बनेगी। साहब मैं ये कह रही हूँ, सवाल ये है कि तैयारी तो है ना, कहीं की टिकट तो कट सकती है, रिपोर्ट कार्ड लिए जा रहे हैं, जिन्होंने अपने लेवल पर अच्छा काम नहीं किया होगा सरकार कटने वाले टिकट उनके। बिल्कुल, ये तो हमारा प्रोरोगेटिव है कि जो काम करने वाला है, ये थोड़ी ना कि एक फैमिली के आदमी को सारी टिकट देते रहो। अब देखिए, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सुनिए सर, काउंटर क्वेश्चन है, आपने कहा बिल्कुल ये तो फैमिली का प्रोरोगेटिव है, लेकिन सवाल ये भी, अगर आप मानते हैं जिन विधायकों ने, सांसदों ने या मंत्रियों ने अच्छा काम नहीं किया है उनका टिकट कटेगा, तो फिर ये भी मानिए कमियां रहेंगी सरकार में, अगर उनके स्तर पर अच्छा काम नहीं हुआ है तो। नहीं, किसने कहा कि कोई भी आदमी 100% पूरा होता है? और समीक्षा करना हमारा, यो मेरी फैमिली में मैं देखूंगा पूरी तरह से। अब आपने कहा सपा और बसपा अभी बात कर रहे थे, तो मैं तो कह रहा हूँ चाणक्य जी ये आज से हजारों साल पहले कह गए थे, जब सारी अपोजिशन मिल करके रूलर को अगर गाली देना शुरू कर दे तो समझ लो कि वो रूलर बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं कमेंट के लिए इनके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बालमुकुंद शर्मा जी, जो रूलर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपको, पिछले 4 साल में हमारे सब, मैं इनको खुलती छोड़ देता हूँ, ये मेरे बीच बीच में बोलते रहे, कोई एक भी पावर प्लांट लगा, कोई हरियाणा में ये उज्ज्वला योजना, ये योजना दे रहे हैं उदय योजना, एक भी पावर प्लांट इनकी सरकार ने पिछले 4 साल में लगाया? साथ साथ दे दे जवाब। ये आप क्या करना चाह रहे हैं, उज्ज्वला योजना में पावर प्लांट दे रहे थे? उदय मैं अगली बार सुन ले, आगे एक जगह तो एक बार सुना लो, या तो फिर सुन लो, साथ साथ दे देना। फिर साथ साथ कोई डिबेट तो ड्यूअल करा लेंगे, कहना करा लेंगे। नहीं नहीं, आपने योजना जो मेरी बात सुन, वो एजेंसी लेके आ रहे हो जी, हरियाणा में एक भी पावर प्लांट नहीं, उज्ज्वला योजना में कौन से पावर प्लांट? नहीं, मैं उदय योजना कह रहा हूं, ज्ञान से भरे तीनों चीज दे रहा हूं आपको, तीनों जवाब इकट्ठे दे रहा हूं। चलिए चलिए, ये उदय योजना भी दोषी पावर प्लांट के अंदर, भाई एक भी पावर प्लांट इन्होंने स्टेट में लगाया हो, एक भी कोई इन्होंने फर्टिलाइजेशन सेंटर खोल लिया हो, मतलब ये करना क्या चाहते हैं इन्होंने स्टेट में? एक ऐसा काम गिना दो भाई, ये एक काम हमने किया, बस एक गिनाओ। जैसे कांग्रेस शासन में एम्स आया, उसको नाती इनकी ग्रांट रोक दी, पैसे रोक दिए, कोई नया पावर प्लांट लगाया, एक काम बता दो, मेडिकल कॉलेज लगाया, एक काम बता दो, सरकार आपकी लेकर आई। अब मैं इनको सुनने के लिए कहूं कि 12 यूनिवर्सिटी हमने बनाई थी, ये सवाल हुड्डा साहब ने भी पूछे थे पीछे अपनी रथ यात्रा के माध्यम से। मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए एक काम, एक मेडिकल कॉलेज की बात आपने मुझे की, हम हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, और उस इनको अज्ञानता पे मुझे तरस तो नहीं आता, नाम बन रहे हैं, ये नाम बता देना, मैं बता रहा हूँ ना साहब, बताओ जितने सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनको हम अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, और उसके लिए हमने भी सीट करीबन 10,000 MBBS की। आप सीमाओं में बांधते हो, आगे आप बोलो ना, आपके आप एक काम देने। देखिए इसमें, देखिए इस बजट में ये डिसीजन लिया गया है कि हर एक 3 लोकसभा सीट पे एक हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम, प्लस ये भी है कि कुछ जो छोटे छोटे जो बड़े मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस की बात है, देखिए यह बात सही है कि स्टेट गवर्नमेंट, जब भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया था तब इन्होंने कुछ रिमार्केबल प्रॉमिसेस किए थे, उसमें से इन्होंने एक प्रॉमिस ये भी कर दिया था, मुझे नहीं लगता है कि शायद ये कितना रियलिस्टिक प्रॉमिस था कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे। देखिए वो मुझे नहीं लगता है, परहैप्स वो इम्प्रैक्टिकल अनाउंसमेंट था, बट उसके पीछे कुछ और विजन रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी से जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, देखिए एक्सपेक्टेशन ये होता है कि कांग्रेस ने एक लेवल तक काम किया, और आप जब नई पार्टी की सरकार बनती है, अब चूंकि आपने बेटरमेंट का प्रॉमिस किया था कि कांग्रेस ने जो किया है उससे हम बेटर करेंगे आपके लिए, और वो उस नेक्स्ट लेवल पे दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी भी चीजों को ले नहीं पाई है, तो ये एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिग्रेट है। जो है बहुत बड़े बड़े किए गए थे, जनता की अब जो है उम्मीदों को बढ़ाया गया था, लेकिन सरकार फेल हो रही है उस स्तर पर। केंद्र सरकार का बजट आया सर, मध्यम वर्ग को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उम्मीदें थी टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किया जाएगा, मध्यम वर्ग यही उम्मीद कर सकता है बजट से, लेकिन वो भी नहीं हुआ, मायूसी मध्यम वर्ग को हाथ लगी। अब आपको लगता है कि चुनावी साल है तो 2 से 3 महीने के अंदर जो है अब कोई प्रभावशाली योजना लाकर आप साथ ले लेंगे? नहीं, मैं कमेंट करूंगा, मेरे साथी विशेषज्ञ यहां पे खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमने कुछ वायदे किए थे, हमने वायदे किए थे उसको नकार नहीं कर सकते, उसके लिए आपके एफर्ट सिंसियर रहे
उसको मैं कहूंगा या तो ना करें। उसका रिजल्ट कहां तक पहुंचता है मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त जो कह रहे हैं कि एक भी योजना बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आप योजना 982 नौ सौ इक्यासी में बीच में समय लूंगा जैसे मैंने एक काम पूछा, खेतदड़, जांडली, खानपुर, यमुनानगर, ये चार पावर प्लांट लगाए। भगत सिंह फूल हिंदुस्तान का पहला महिला महाविद्यालय, भगत सिंह फूल सिंह महिला महाविद्यालय खानपुर कला। मैं इस तरीके से कह रहा हूँ, एक ऐसा काम बता दे चार साल में, मैं एक काम पूछ रहा हूँ प्रवक्ता महोदय से कि जो आप गिना सकते हो, एक एक काम। आपका क्या ख्याल है, ये काम नहीं है? आप बता दें, काम किसी भी कन्या, हरियाणा की जनता देख रही है, आप एक काम बता दें, किसी भी कन्या को काम किया हो नहीं किया हो, अगर आप कह रहे नहीं भी किया तो नैन साहब, लेकिन तैयारी है संघ की रणनीति के सारे 19 तो जीतने की, बंटवारा करने की है, झगड़े बढ़वाएंगे, झगड़ा करवाएंगे, काम हुए कहां है? काम, हाँ, कोई एक काम इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के उस पर झूठ बोल दिया गया था, उस पर पूरा सिर्फ काम से चुनाव भी नहीं जीता जाता, ये भी बात एक सत्य है। देखिए सिर्फ काम करके चुनाव नहीं जीता जाता, आप काम कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी आप चुनाव जीत जाते हैं, वो भी एक कला है, वो भी एक कला है, वो भी एक कला है, वो कला जनता समझ चुकी है। हाँ, लेकिन वो जनता नहीं कर सकते, वो कला थी ना, वो कला है बीजेपी के पास में तो भी चुनाव जीत रही है बीजेपी की। उसमें अवंतिका जी देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए ये देखिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, ऐसा भी नहीं है, ये ऐसा कहना भी बिल्कुल गलत होगा। ये देखिए एक डिबेट में कोई प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम में बहुत काम हुआ, अब कामों का काल हो गया, ऐसा नहीं होता है कि 10 साल काम हुआ और 5 साल में सारा काफी प्रयास किया। देखिए पावर प्लांट बनाने की जो बात होती है ना, अब हरियाणा में पावर प्लांट नहीं बन सकती, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, नंबर वन। दूसरी बात यह है क्या कि अब इन्होंने यूनिवर्सिटी का प्रॉमिस कर दिया था, अब हरियाणा में यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। आप अवंतिका जी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहती है कि मुझे यहाँ डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा में बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट है, वो कहीं भी बना सकते हैं। विकास नहीं मतलब विकास का जो मतलब ये होता है कि आपके कॉलेजेस में आज 20 साल पहले 10 टीचर थे, आज आपने क्या 25 कर दिया, क्या आपने 40 कर दिया, डॉक्टर्स की बहाली आपने कर दी, सड़कों को बना दिया, लोगों की सुविधा उनके घर के सामने दे दिया, क्या उनकी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, ये सब मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है या नहीं किया ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान जुड़े हमारे साथ इस चर्चा में। लेकिन हालांकि विपक्ष की ओर से भले ही कहा जा रहा हो कि जो काम है वो नहीं हुआ है, विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, और जो है चुनाव जीतने की कला बीजेपी को आती है, लेकिन ये भी एक कला है जो बीजेपी के पास है। क्या 2019 में ये कला बीजेपी के काम आएगी, ये देखना होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।